हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज गौरव सिंह, आपको कोच होस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर डिजीज़ के बारे में, जिसे हम कहते हैं माइक्रोबैक्टीरिया, और जिसे हम कहते हैं टीबी। टीबी यानी कि आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसी अनवांटेड चीज़, एक ऐसा अनवांटेड बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है धीरे 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 करके आपके इम्यून सिस्टम के साथ। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है देन वहाँ पे जाके इस तरीके से ग्रो करेगा कि आपकी बॉडी में वो घर कर जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी क्वांटिटी अपनी फैमिली को बढ़ाना स्टार्ट करता है, और इसके थ्रू आपकी टीबी की प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। माइक्रोबैक्टीरिया हम इसको इन शॉर्ट में कहते हैं। अगर ये लंग्स के अलावा किसी और बॉडी पार्ट में जाके आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक ऐसी बीमारी जो कहीं ना कहीं आपके अलग अलग बॉडी पार्ट में होती है और बॉडी पार्ट में होने के साथ साथ फैलती है। आपके बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट में फैलने के साथ साथ ये अलग अलग टाइप की बीमारीज भी लेती हैं, जिसमें बोन टीबी, स्टोमक टीबी, लिवर टीबी और बहुत सारे अलग अलग इसके नाम्स हैं। अगर खांसी आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको टीबी हो सकता है, और उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें मैक्सिमम सिम्टम देखे जाते हैं। इसमें भूख लोगों को कम लगती है, उनका वजन कम होने लगता है, खून की कमी हो जाती है या खून निकलना स्टार्ट हो जाता है खांसी के साथ, और नाइट में अगर हम बात करें फीवर रहता है हल्का सा। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर बहुत ही कम देखा गया है कि आपको हाई फीवर होता है। अगर आपकी बॉडी में जाकर कोई भी एक नया ऑर्गन उस समय कोई भी हरकत नहीं करता है उसे हम कहते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, जो आपकी बॉडी में घर तो कर चुका है बट आपके बॉडी में घर करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वो बाद में लेता है जब अपनी क्वांटिटी अपनी फैमिली को बढ़ा लेता है। अगर कुछ लोगों की बॉडी में इस डिजीज़ ट्यूबरक्लोसिस से अगर वो फाइट नहीं कर पाता है तो होता क्या है कि उनकी बॉडी में सिम्टम हम कैसे दे सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि इसको ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है। उसमें कहीं ना कहीं अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में नहीं इनटेक हो पा रहा है तो उसका भी आप एक शिकार हो सकते हैं। शिकार होने के साथ साथ आप यहाँ देखिए HIV डिजीज़ हो सकती है आपको। प्रेगनेंसी इशू में ये चीज़ें बताई जाती हैं। इसके साथ डायबिटीज पेशेंट अगर हैं आप तो उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कि आपको टीबी हो सके। ड्रग्स जो मेडिसिंस जो मार्केट में आती हैं, जैसे कि हम बात करें रिफैम्पिसिन आ गया या पैराजेनामाइड हो गया या कैम्ब्यूटल हो गया, इस तरह की बीमारी, इस तरीके की ट्रीटमेंट चलती हैं लोगों की 4 से 6 महीने, जिसके थ्रू वो मेडिकेशन के थ्रू अपने इस ट्यूबरक्लोसिस को ठीक कर सके। और हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ के बारे में और कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर यानी कि टीबी के अंदर कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड टी एंड कॉफ़ी, अवॉइड टी एंड कॉफ़ी का मतलब हो गया क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कैफीन ऐड करा गया है, और कैफीन आपके टीबी के लिए बीमारी के ग्रो करने में सबसे ज़्यादा चांसेस उसको देता है। सो आपको कैफीन कम से कम इनटेक करना है। अवॉइड अल्कोहल एंड टबैको, अवॉइड जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा बर्गर एंड केक्स, अवॉइड ग्लूटेन रिच फूड, चीज़, बटन, फैटी फिश एंड रेड मीट। इसको साथ साथ इन चीज़ों को रिमूव करने के साथ साथ आपको अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज, योगा आपको डेली करना है, या आप चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप जो घास होती है वहाँ पे आप नंगे पाँव चल सकते हैं, जिसके थ्रू आपके बॉडी को एक अच्छा ऑक्सीजन और आपके बॉडी को एक अच्छा इंडिकेंट ऐड हो जो आपकी बॉडी के पूरे ब्लड फ्लो को इनक्रीज करने में हेल्प करे। और अगर आप डाइट रख ही रहे हैं अच्छी तो यहाँ पे आपके डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। जो प्रोटीन की क्वांटिटी आप ले सकते हैं चिकन से, फिश से, मीट से एंड पल्सेस से। नाउ बात करते हैं FLP के अंदर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप इन बीमारी को अगर 5 से 6 महीना यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसमें हम पहले बात करेंगे फॉरएवर एलोवेरा जेल के बारे में। एलोवेरा जेल क्यों? आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा प्योरीफाई करता है। इनटेक कर जब आप जो भी आप खाना आप इनटेक करते हैं उस इनटेक को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है ताकि वो अच्छे तरीके से पच सके। आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स अवेलेबल हैं उनको धीरे 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 करके रिमूव करना स्टार्ट करता है, जिसके थ्रू आपकी जो आंतें होती हैं वह एग्जैक्टली ऐसे हो जाती हैं जैसे एक प्रॉपर एक बच्चे ने अभी पैदा उसने लिया हो। इसके साथ हम बात करते हैं हनी। हनी का मतलब कि हनी आपके बॉडी के अंदर एक अच्छा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपकी बॉडी इम्यून हो सके। आपकी बॉडी इम्यून होने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पनप रहे हैं उन सब की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करेगा। फॉरएवर C+ आपकी बॉडी के अंदर
विटामिन सी की कमी को पूरा करता है, आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया से फाइट करता है और बैड बैक्टीरिया को बनने से रोकता है और गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ाता है, ताकि वो जो अगर कम क्वांटिटी भी अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं तो उन क्वांटिटी के थ्रू वो ज़्यादा क्वांटिटी को डेवलप कर सके। इसके साथ आप ऐड कर पाएंगे फॉरएवर का एक्टिव प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्यों? एक्टिव प्रोबायोटिक का मतलब कि प्रोबायोटिक यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको रीएक्टिवेट करता है और उनके सेल्स को डिवाइड करने या बढ़ाने में हेल्प करता है, ताकि अगर आप उस चीज़ को इंटेक ना भी करें तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया आ चुके हैं, वो जिसके थ्रू आपके प्रॉपर तरीके से खाने को स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग में हेल्प करे, ताकि खाना पच सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। लाइट अल्ट्रा क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज से अपने प्रोटीन इन सोर्स को, प्रोटीन इनटेक को आप इस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ले सकते हैं, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहीं ना कहीं फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के पास बहुत अच्छा से बनाया गया है। सो आप इन सभी चीज़ों को इंटेक करने के साथ साथ अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन वन के बारे में मैंने आपको बताया, अब मैं बात करता हूँ सेकेंड कॉम्बिनेशन के बारे में। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है? सेकेंड कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यह पता लग गया कि किस तरीके से आप और भी चीज़ों को इंटेक कर सकते हैं। एलोवेरा जेल, फील्ड्स ऑफ ग्रीन, फॉरएवर बी पॉलिश एंड फॉरएवर गार्लिक थाइम, इन सभी चीज़ों को आप यूज़ करते हैं तो टीबी की प्रॉब्लम को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, 5 से 6 महीने आपको तब भी इस चीज़ को यूज़ करना है। अगर आप इन सभी वीडियोज़ का प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन वीडियो चाहते हैं तो पर्टिकुलरली मैंने हर एक वीडियो के लिए ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, आप वहाँ पे जाके हर एक वीडियो के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज ले सकते हैं। और नॉलेज लेने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तीनों कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हुआ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस बीमारी के ऊपर, किस डिजीज के ऊपर आप देखना चाहते हैं। अगर हो सकेगा तो हम डेफिनेटली उस डिजीज के ऊपर एक वीडियो जरूर बना के आपको शेयर करेंगे, ताकि आप उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मैं आज के डेट में देख पा रहा हूँ कि आप चैनल तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका एक लाइक, आपका एक चैनल सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि हम और आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें लगातार और हमेशा के लिए, सो दैट आपको हर एक डिजीज़ के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज मिल सके, जिसको आप अपनी लाइफ में इंटेक और अपने फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल बिजनेस को और अच्छे लेवल से ग्रो कर सकें। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लेट्स इंस्पायर यूथ। थैंक यू सो मच।